पल्लियोज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मध्य प्रदेश के इंदौर में जिस तरीके से मुस्लिम चूड़ी वाले को शिकार बनाया गया उस पर मैं कई रिपोर्टें आप लोगों के साथ रख चुका हूं, और जहां मुस्लिम चूड़ी वाले के सपोर्ट में कुछ मुस्लिम निकले उनके ऊपर किस तरीके से कार्रवाई हुई उनकी भी तस्वीरों को आपके सामने रख चुका हूँ। और जब आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई और आरोपियों के बाद भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का बयान आना, वो तमाम चीजें जो हैं एक एक कर सामने आ चुकी हैं। पर जिस तरह से कल इंदौर की सड़कों पर हिंदू जागरण मंच के लोगों ने एक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है उस पर सवाल खड़े हो गए हैं, क्योंकि कल के वीडियो हम लोगों के सामने ही आए थे कि जहां खुल करके नारेबाजी की जा रही थी कि देश के गद्दारों को गोली मारो, सालों को राम राज्य लाएंगे, तमाम फप्तियां जो हैं कसते हुए नजर आए, और मांग की जा रही थी कि चूड़ी के नाम पर जिहाद फैलाने वाले तस्लीम को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस ने गिरफ्तारी भी कर ली, और पुलिस की गिरफ्तारी के बावजूद भी वहां पर हिंदू जागरण मंच के लोगों का जो अब एक नया वीडियो सामने आया है उससे सवाल खड़े होते हैं मध्य प्रदेश सरकार पर कि आखिरकार ये हिंदुत्व की राजनीति को बढ़ावा देने के लिए कितनी हदें पार की जाएंगी, जहां मस्जिद को देख करके ये स्पॉन्सर्ड जो गुंडे आप लोगों ने तैयार किए हैं वो मुस्लिम मोहल्ले में जा करके किस तरीके से गुंडागर्दी मचा रहे हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। आपने देखा कल जहां दो वीडियो सामने आए जहां पर नाच गाना चल रहा है गिरफ्तारी को लेकर के, जहां नारे लगाए जा रहे हैं, अब एक ये नया वीडियो जो सामने आया है उससे इनके इरादे साफ हो जाते हैं कि इन्हें जिहाद के नाम पर चाहे बेटियों की इज्जत आबरू के इससे कोई लेना देना नहीं है। इन्हें स्पॉन्सर तैयार किया गया है जो एक गंदगी फैला रहे हैं, और इस गंदगी का नतीजा आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि किस तरह मस्जिद के सामने खड़े होकर के नारेबाजी की जा रही है, मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की जा रही है और पाकिस्तान के लिए गालियां दी जा रही हैं। ये वही लोग हैं जो कल तक गोटू पाकिस्तान का नारा लगा रहे थे, अब गोटू अफगानिस्तान का नारा लगा रहे हैं। ये किस तरह की नफरत आखिरकार भारतीय मुसलमानों को देख करके इन लोगों को क्या जरूरत है पाकिस्तान के बारे में फप्तियां कसने की, और भारतीय मुसलमानों को इस पर कुछ लेना देना भी नहीं है, फिर भी जानबूझ करके अगर इन लोगों को रोका या टोका जाए तो कहते हैं कि देखिए पहले शुरुआत वहां से हुई थी। ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, और जिस तरह से दैनिक भास्कर ने कल इन खबरों को लोगों के सामने रखा है उस पर भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। किस तरीके से दैनिक भास्कर ने इस रिपोर्ट को रुका है और तस्लीम पर क्या कार्रवाई हुई है इसके बारे में भी आप लोगों को बताता चलता हूं। शहर में कुछ दिनों से हो रही घटनाओं को लेकर हिंदू जागरण मंच के हजारों कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को रिगल तिराहे का पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का कहना है कि कुछ संगठन सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस को सूचना देने पर भी कार्रवाई नहीं की जा रही है।
डीआईजी मनीष कपूरिया को ज्ञापन सौंपा। इसमें दोषियों पर कार्रवाई व लापरवाह अफसर को हटाने की मांग की गई है। ये तीन प्रमुख मांगे जो हैं हिंदू जागरण मंच की तरफ से रखी गई। तेजाजी नगर थाना प्रभारी को तत्काल हटाए। 15 अगस्त को हुए विवाद में घायल पर केस कर दिया है। शहर के दूसरी मांग जो रखी, शहर के सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दे रहे हैं कि लव जिहाद के मामलों में तत्काल कार्रवाई करें। तो तीसरी मांग इनकी तरफ से रखी गई है कि आगामी त्योहारों को परंपरागत तरीके से मानने की अनुमति दी जाए। तो वहीं इन घटनाओं का उल्लेख किया गया है हिंदू जागरण मंच द्वारा। बंबई बाजार में बच्चियों से छेड़छाड़ व हमले हो रहे हैं। नायता मुंडला व राजबाड़ा ध्वजरोहण के मौके पर विवाद हुआ है। बाणगंगा में लव जिहाद के आरोपी को छोड़ दूसरों पर केस किया गया है। SDPI व PFI जैसे संगठन युवाओं को भड़का रहे हैं। ये दावे जो हैं ये लगातार किए जा रहे हैं। तो वहीं एम्बुलेंस को राहत देने का भी काम किया गया है। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने ट्रैफिक सुचारू रखने के लिए चार जगह गाड़ियां पार्क की थी। तमाम चीजें जो हैं दैनिक भास्कर लिखता हुआ नजर आया। और किस तरीके से तस्लीम के ऊपर कार्रवाई की गई है इस पर भी एक बार नजर डालते हैं। आपको बता दें कि मुस्लिम चूड़ी वाले को पीटे जाने के लेकर के उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। दरअसल चूड़ी बेचने वाले शख्स पर छठी क्लास की नाबालिग लड़की ने छेड़खानी का आरोप लगाया था। इसके बाद आरोपी युवक के साथ मारपीट की गई थी। युवक की पिटाई के बाद जमकर बवाल हुआ था। सैकड़ों लोगों की भीड़ ने थाने का घेराव किया था। आरोप है कि इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के गोविंद नगर में चूड़ी पहनाने के लिए मुस्लिम युवक नाम बदलकर गया था, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री द्वारा ये दावा किया गया। और कहीं ना कहीं से कोई सामने भी आ गया, कार्रवाई भी हो गई और जेल की सलाखों के पीछे जो पिटा उसे ही डाल दिया गया है। क्या अब मध्य प्रदेश पुलिस, खासतौर पर इंदौर पुलिस, जो मस्जिद के सामने ये घटना घटी है, इन दंगाइयों को पकड़ करके जेल की सलाखों के पीछे डालने की हिम्मत दिखाएगी? क्या शिवराज सिंह चौहान की सरकार सामने आएगी जो मिनटों में घर ध्वस्त कर देती है? किसी मजलूम के ये कह करके ये दंगा करा रहे थे, क्या इन दंगाइयों के घरों को भी डहाने की हिम्मत दिखा पाएगी शिवराज की सरकार? क्या ये मान लिया जाए कि इन लोगों को स्पॉन्सर छोड़ दिया गया है शहर में दंगा फसाद करने के लिए, जो लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? मैं इंदौर से जुड़ी हर एक अपडेट आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।